Hello viewers and subscribers, welcome to FARHAN technical and gamers youtube channel. Aur friends, aaj ke is video ke andar main baat karne wala hu GTA 5 ke system requirements ke bare mein android platforms ko lekar ke. Okay, to chaliye shuru karte hain. So friends, video ke starting mein aap logo se choti si request, agar aap log hamare youtube channel ke upar naye aaye ho to please is channel ko subscribe kar lijiye abhi ke abhi aur bell button ko bhi daba dijiye, kyunki main jo apne youtube channel ke upar rozana टेक्निकल के और गेमिंग के वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया उनको बहुत-बहुत थैंक्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फ्रेंड्स, देखिए GTA 5 के जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, अगर वो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी आपके फोन के अंदर होंगे तो भी आप लोग जो है वो GTA 5 जो गेम है जब वो एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा रॉकस्टार गेम्स की कंपनी की तरफ से, तो जो है आप लोग अपने एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर आसानी तरीके से भी उसको प्ले कर पाएंगे. लेकिन अगर आज जो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोग को सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बताने वाला हूँ वो एकदम कम से कम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ. लेकिन अगर इससे भी कम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आपके फ़ोन के अंदर होंगे जो मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ, तो फिर आप लोग GTA 5 को भूल जाइए. आपके फ़ोन के अंदर GTA 5 कभी भी वर्क नहीं करेगा, आपको नया फ़ोन लेना पड़ेगा. ओके, तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि कम से कम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स GTA 5 को एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर खेलने के लिए क्या क्या लगेंगे. ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं रैम की बात करूँ तो रैम आप लोग को लगेगा कम से कम अपने फ़ोन के अंदर 4GB का रैम. अगर 4GB का रैम है तो भी ये जो गेम है वो चलना मुश्किल है, लेकिन चल सकता है फ्रेंड्स. 70% इसके चांसेस है चलने के, 30% में आप लोग को थोड़ा बहुत तो लैगिंग इशू मिलेगा क्योंकि ये जो गेम है वो ऑनलाइन भी रहेगा ऑफलाइन भी रहेगा. ओके, तो ऑनलाइन में आप लोग को थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे झेलना पड़ेगा जब वो लॉन्च हो जाएगा तो. ओके, तो 4GB रैम तो कम से कम आपके फ़ोन में ज़रूर से होना चाहिए अगर आपको GTA 5 जैसा गेम अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर खेलना है तो. ओके, बात कर लेता हूँ यहाँ पे प्रोसेसर की. तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास में ऑक्टा कोर का स्नैपड्रैगन क्वालकॉम 450 स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर भी है आपके फ़ोन के अंदर जो कि अच्छा खासा प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर भी आपके GTA 5 गेम को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स. ओके, तो ये प्रोसेसर अगर है आप लोगों के पास में तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका फ़ोन में जो है वो GTA 5 गेम जब लॉन्च होगा तो चल जाएगा. ओके, बात कर लेता हूँ यहाँ पे आखिरी स्पेस की. तो देखिए फ्रेंड्स, स्पेस जो है आप लोग को कम से कम अपने फ़ोन के अंदर 8 से लेके 10 GB की फ्री स्पेस, या तो मैं पकड़ लेता हूँ कि आप लोग को 16GB इंटरनल स्टोरेज अपने फ़ोन का ले लीजिए, आप लोग परचेस कर लीजिए अगर आपने अभी तक के भी परचेस नहीं किया है तो. क्योंकि अगर 8GB का आपका इंटरनल स्पेस है तो उसमें आप लोग को मिलेगा 4GB, तो कुछ ही काम की 4GB आपकी नहीं रहेगी, GTA 5 को जो है आप लोग एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं पाओगे. तो इसलिए 16GB इंटरनल का एंड्रॉयड फ़ोन आपको परचेस करना पड़ेगा फ्रेंड्स. ओके, क्योंकि उसको जो है वो उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा लंबा रहेगा जब वो लॉन्च होगा, तो इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस जो है अपने फ़ोन के अंदर लगेगी. तो फ्रेंड्स, ये जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताए हुए हैं ये सबसे ज़्यादा जो है वो कम से कम आप लोगों को बताए हुए हैं, इससे ज़्यादा आप लोग पकड़ के चलिए लेकिन ये सबसे कम है. अगर इससे भी कम आपके फ़ोन में सिस्टम रिक्वायरमेंट्स निकले तो आपके फ़ोन में GTA 5 जो है वो कभी भी वर्क नहीं करेगा. ओके, तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स ये आप लोग को इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल बटन को भी दबा दीजिए. तो मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट किसी ऐसे इंटरेस्टिंग गेमिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल. बाय फ्रेंड्स.